महादेव देली की पूजा कर दी इन्होंने और ये आ गए अंदर। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला गौर नमस्कार। आप सभी को फूलदेई की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। फूलदेई छम्मा देई जतको दिछा उतका सही, तुम्हें भकार भरीजो और हमारा टुपर भरीजो। ये हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व है, प्रसिद्ध लोक पर्व फूलदेई। और फूलदेई हमारी मनाई जाती है बसंत ऋतु के आगमन में, और हमारे यहाँ सारे जो बच्चे होते हैं वो आते हैं फूल खिल लेके। देहली की पूजा होती है उस दिन और चावल डालते हैं देहलियों में, फूल डालते हैं। तो हमारे वहाँ जो सारे बच्चे होते हैं वो घर घर में आते हैं देहली की पूजन करने के लिए। तो घर के सभी जो लोग होते हैं अपनी तरफ से उनको कुछ अनाज देते हैं, चावल देते हैं। सबसे शुभ माना जाता है चावल, तो चावल देते हैं, गुड़ देते हैं और कुछ दक्षिणा देते हैं। तो हम भी हमारे जब जमाने में थे तो हमारे वहाँ बांस की टोकरी होती थी छोटी छोटी, हम उसको लेके जाते थे। आजकल तो थाली लेके जाते हैं गाँव में और थैली लेके जाते हैं पॉलीथीन प्लास्टिक वाली, उसमें जो कि गिरता नहीं है। हमारी टोकरियाँ तो गिर जाती थी कितनी जगहों पर, उनके जो चावल थे वो गिर जाते थे। तो हम सारे गाँव में ऐसे घूमते थे तो हमारे बहुत सारे चावल हो जाते थे। वो चावलों को लेके हम घर में आके फिर उसके हमारे वहाँ फुल खाज बनते हैं और कहीं कहीं इसकी साई बनती है। साली का मतलब वो नहीं जो जीजा साली वाली, मतलब गुड़ के साथ बनाया जाता है चावल का हलवा, उसको बोलते हैं हमारे वहाँ साई। तो उसकी साई बनाई जाती है, हमारे वहाँ खाज बनाए जाते हैं चावलों में गुड़ मिला के और उनको तिल मिला के उनको फ्राई किया जाता है तेल में या घी में। तो वो भी मैं आज शाम को बनाऊंगी, आपको दिखाएंगे हमारे वहाँ के फुलखाज कैसे बनते हैं। तो हमारी वीडियो को देखते रहना। और हमने हल्द्वानी में भी बिल्कुल पारंपरिक तरीके से अपना त्यौहार मनाया है। बच्चे आए हैं यहाँ फूलदेई खेलने के लिए और आज के दिन से चैत की शुरुआत होती है। चैत्र मास का एक फर्स्ट जो एक गते है आज, और भिटोली का भी महीना आज से लग जाता है। तो हम जो गाँव में रहते थे तो सारे जो मायके से आते थे भिटोली देने के लिए, चैत के महीने में लड़की को नए कपड़े दिए जाते हैं, उनके लिए मिठाइयाँ और जो हमारे पहाड़ी पकवान बनते थे पहले से पूरी बांटने का होता था, क्योंकि पूरी बन के आती थी मायके से, तो दो दो पूरी बड़े सबको दिए जाते थे। अरे वहाँ तो आओ बोलते हैं, आपके वहाँ क्या बोलते हैं वो बताना। और तब भेटुली में जो भी सामान लेके आए थे मिठाई वगैरह अभी भी बांटते हैं, लड्डू मंगाते हैं, कम से कम 4-5 kg लड्डू लग जाते हैं। यहाँ भी सभी को दो दो लड्डू अपने आस पड़ोस जो भी है सभी लोगों को दिया जाता है। तो ये आगे फूलदेई वाले बच्चे, फूलदेई छम्मा देई जतका दिचा उतका सही। हैप्पी फूलदेई बच्चों, आपको भी फूलदेई छम्मा देई कहो तो फूलदेई छम्मा देई जतका दिचा उतका सही। तुम्हें भकार भरीजो और हमार टुपर भरीजो के गुनी और बोल तो आ जाओ। ये आ गए फूलदेई वाले बच्चों, हैप्पी फूलदेई। अच्छा और यहाँ पे डालना, ठीक है, दरवाजे पर ये डालेंगे फूल और चावल से फूल देई छम्मा देई देली की पूजा कर दी इन्होंने और ये आ गए अंदर। ये आ गए हमारे फूल देई छम्मा देई वाले बच्चे। अब हम इनको देंगे चावल और ऐसे अन्न इनको दिया जाता है और ये इनकी दक्षिणा है, और इनको मीठे के रूप में हम देंगे गुड़। हैप्पी फूलदेई, फूलदेई की बहुत बहुत बधाइयाँ। अब ऊपर चलते हैं, चलो ये तो नहीं किया फिर हैं, आ जाएंगे फिर अभी, चलो आ जाओ। हाँ चढ़ा दो यहाँ पे चावल हैं। फूलदेई छम्मा देई दे दिए इनको चावल और गुड़। ये दे दिया है गुड़, फूल देई छम्मा देई जदुगा दीचा उदगा सही। तुम्हारे वहां क्या बोलते हैं ताई जी?
फूल दे बहुत बहुत बधाई हो तुम। हाँ, तुम्हारे आप कोई परिवार चलो फूल दे चम्मा दे जदुगे दी चाव दुगे सही हो। अम्मा नहा दोगे तैयार हो गई हैं। किसी पर जाएगा अम्मा ठेई खम्मा ठेई दैनी द्वार भर भकार सासु बुआरी अकल अकार अम्मा से सीख लिया द्वार भर भकार सासु बुआरी एकल अकार सासु बुआरी एकल अकार अम्मा जब पूछ जल्दी हाँ सब आज रख लो तुम्हारे उसमें आ गया है ना। हाँ चलो चलो केला भी खाओगे हो गया फूल दे चम्मा दे जाओ जाओ इतने जाओ ना तुम ले जाओगे हो ना हरी ना पसंद में जाने है क्या जाना आ जाओ आ हम इशारा दे जा फूल दे चम्मा दे अम्मा भी आगे नहा दोगे फूल दे चम्मा दे कहने के लिए फूल दे चम्मा दे जदुगे दिशा उदगे सही फूल दे चम्मा दे जदुगे दिशा उदगे सही ये हो गई देली की पूजा। आ जाओ फूल दे चम्मा दे इसमें से गुड़ तोड़ो तो जरा गुड़ इसमें कम है तुम भकार भेजो हमारे हमारा थैला भर जाने वाली है ना पूरा यहाँ सब तो दूर दूर जाओगे तो भर जाएगा ना भैया के होंगे और टेन तुम्हारे गुड़ लेके आओ तो टेन टेन ट्वेंटी ट्वेंटी ओ उसको क्यों नहीं लाई भाई तेरा स्कूल है स्कूल गया हाँ। तू क्या खाएगा केला खाएगा थैंक यू बोलो बताओ ये क्या लेके आए हो अपने लिए आप अपने पैसों का लाया अपने पैसों का ले आया टकाटक लेके आए अपना अपना नाम बताओ तो खुशी और भूमि आए हैं फूल दही छम्मा दही करने हैप्पी फूल दही टोली लगे और ये बन गई है मेरी पूरी तैयार है मेरा खाना ये है खीर साबूदाने की और आलू मैंने बनाए हैं पूरी और यहाँ पे अम्मा खा रही हैं साहब जी ने खा लिया है कैसा लगा आपको खाना 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 जैसा ही हुआ हैं तो मैं भी खाती हूँ त्योहार का ऐसे होता है फिर तेल का लोसैनी होने वाला हुआ तो दोस्तों पूरी खाने के बाद क्योंकि हमने त्योहार बनाया और खा लिए हैं पूरी उसके बाद अब मैं डालूंगी चावल भिगोने क्योंकि आज बनते हैं मीठे चावल गुड़ डाल के गुड़ और तेल डाल के और तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बनाते हैं मीठे चावल फूलदही के दिन मैंने चावल एक कटोरी इसको हम भिगोने के लिए डाल देंगे ये शाम तक मेरे चावल भीग जाएंगे इसको हम पानी से ढक देते हैं और इनको धो के शाम को बनाएंगे और आपको दिखाते हैं फिर इनको कैसे बनाते हैं क्योंकि आप बताना कि इस चावलों का आपके वहाँ क्या बनाते हैं फूलदही के दिन हमारे वहाँ तो इसकी फुलखज बनते हैं। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं चार और चाय पानी हमारा हो गया है तो मैं जाती हूँ छत में और आपको भी ले चलते हैं और यहाँ पे सुबह बच्चों ने जो देली पूजन कर रखा है देली की पूजा होती है उस दिन तो इसी देली पे सारे चावल और फूल बच्चों ने चढ़ा रखे हैं सीधे छत में और आपको भी ले चलते हैं क्योंकि छत में आज मैंने डाल रखे गेहूँ गेहूँ धो के सुखाने डाले हैं और अभी भी तेज धूप आ रखी है यहाँ से मोटे से सीधे अंदर को धूप आई है अभी तो आपको ले चलते हैं छत में यहाँ पे डाल रखे हैं मैंने गेहूँ और यहाँ पे मैंने धनिया लिया था तो मैंने दो परातों में ढक के डाल रखा है नहीं तो ये भी सारा उड़ जाता है। मैं आ गई हूँ छत में मेरी सांस भी फूल रही है मैं उठाती हूँ गेहूँ और आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में और फिर दिखाते हैं आपको हल्द्वानी का नज़ारा कैसा लग रहा है पर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है आजकल हल्द्वानी में ना ठंडा ना गर्म बिल्कुल सुहाना जैसे बसंत का मौसम होता है बिल्कुल प्यारा प्यारा सा वैसे ही हो रखा है तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में और तब तक मैं अपने गेहूँ उठा लेती हूँ। हेलो दोस्तों तो मैं बनाने जा रही हूँ अब फुलखज और चलते हैं बनाते हैं। तो दोस्तों अब मैं बनाऊँगी फुलखज और कैसे बनाते हैं फुलखज वो मैं आपको दिखाती हूँ आप देखते रहिएगा। चावल और इनको हो गए चार पाँच घंटे भीगे हुए और इनको मैं अब अच्छे से धो लेती हूँ
ये ले लिए मैंने चावल, और ये है तिल, और ये है गुड़। गुड़ मैंने हल्का बारीक कर रखा है, और तेल मेरा गर्म हो चुका है। और इसमें अब डालते हैं हम चावल। चावल को हम तेल में फ्राई करेंगे, जिसमें मैंने चावल डाल दिए हैं। और अब डालूंगी मैं इसमें गुड़। तो गुड़ के साथ ही हम इनको पकाएंगे, ये ऐसे ही पिघलने लग जाएगा। और साथ में हम इसमें डाल देंगे तिल। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, हल्दी कलर के लिए। और ये मेरा गुड़ पिघल गया है, उसके हिसाब से इसमें पानी जैसा हो गया है। और ये पूरे पकेंगे, फिर आपको दिखाती हूँ। ये पक रहा है मेरा, जो फुलखाज हैं वो बन रहे हैं। तो दोस्तों ये तैयार हो गए हैं मेरे फुलखाज, और इसमें मेरी थोड़ी तिल की मात्रा ज़्यादा हो गई है। तो ये बहुत टेस्टी होते हैं खाने में, आप भी बनाना ऐसे ही। और किस किस के वहाँ बनता है ये मुझे बताना कमेंट करके। तो यार दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है उसको यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और ये रही हमारी आज स्पेशल फूलदही पहाड़ी रीति रिवाज से, और ये मेरे फुलखाज। जय देवभूमि, जय भारत और जय उत्तराखंड।